फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूंगा सर, ओडिया की मैंने फर्स्ट मूवी देखी थी दमन, इट वॉज अ मास्टर पीस, आउटस्टैंडिंग। एंड बनशाली मोंटाली ने बहुत ही बेस्ट एक्टिंग किया था, सुपर एक्टिंग किया था, और वो पिक्चर मेरे दिमाग में अब तक बैठी हुई है, गई नहीं है। वो पिक्चर में जो ओरिजिनलिटी दिखाई थी, ट्रू इवेंट, ट्रू स्टोरी दिखाई थी, और कहा ना कहा उस पिक्चर में मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी एक डॉक्टर बनना चाहिए। तो वो एक मास्टर पीस मेरे दिमाग में अभी है कि नहीं। और एक प्रतीक्षा मैंने अब जस्ट देखी मेरे फेवरेट थिएटर PVR में कुर्रा के, बहुत ही मज़ा आया मुझे, एंटरटेनमेंट मूवी थी, मतलब कि एंटरटेनमेंट आपको रियलिटी भी दिखाई उसमें। कहा ना कहा इसमें मिडिल क्लास लड़के की पिक्चर है जो अपनी ज़िंदगी में एकदम कन्फ्यूज हो जाता है बेचारा, कहा ना कहा वो जॉब के लिए इतना तलाश करता गवर्नमेंट के लिए, क्या उसको मतलब कि वो हाफ के मेरे सबके लाइफ में ऐसी कठिनाई आती है, इसमें से दिखाया तो हम उसके अंदर घुस जाते हैं। कहा ना कहा ये कठिनाई हमारे लाइफ से भी गई है, गुजरी है। तो वो जो आदमी को कठिनाई होती है मिडिल क्लास लड़के को जो जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसको वो दर्द वो ही महसूस कर सकता है। तो इसमें वो दर्द कूट कूट के बताया, इनसाइटली बताया। कहा ना कहा वो सीन देख के मुझे आंसू आ गए, मैं अपने आप को प्रेम जी समझ के उस लड़के के मुंह में मैं अपने आप को देख रहा था कि मैं भी ऐसा जॉब के लिए भटका था, रोया था, और कहा ना कहा मेरे इमोशनल हो गया। और जब मुझे पूरा रोना आ गया जब उसके डैडी जी की तबीयत ख़राब हो जाती है, और जब वो हॉस्पिटल में पैसा भरने जाता है तो उसको पैसे की कमी हो जाती है, वो इमोशनल सीन तो मेरे को एकदम छू गया, टच हो गया। तो ये पिक्चर भी एक धमन की तरह मास्टर पीस निकली। तो ये मतलब कि पिक्चर को हिंदी में भी आएगी तो ये फाड़ देगी, जैसे धमन आएगा हिंदी में आ रही है। जिस तरीके से गवर्नमेंट जॉब का आपने जिक्र किया है, कितना आप रिलेट कर पाए, और जिस तरीके से मेडिकल क्राइसिस आती है इस मूवी के स्टोरी में, स्टोरी लाइन में, कितना आप रिलेट कर पाए उसके साथ? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो हैट्स ऑफ कर रहा हूँ अनुपम पटनायक साहब को, जिन्होंने ये मूवी डायरेक्ट की, उन्होंने ये इतनी रियलिटी से बनाई, इतना रियलिटी सिनेमाटोग्राफी किया है, उसका कैमरा वर्क हर एक चीज़ उन्होंने एकदम रियल दिखाई है। कि मतलब पिक्चर बनाना एक आर्ट होता है, वो मैं पिक्चर देख के समझा कि डायरेक्टर्स जो पिक्चर बनाते हैं एक आर्ट होता है, वो पिक्चर बनाना मतलब हर एक सीन को उन्होंने ओरिजिनलिटी दिखाई, वीडियो के माध्यम से बोला था सब कुछ रियल सीन दिखाते। इनके डायरेक्शन को मानना पड़ेगा कि वो लोग ऐसे नहीं कि हमारे दूसरे इंटरेस्ट में बॉलीवुड देखो तो आर्टिफिशियल दिखाते, इसमें रियल घर, रियल स्टेक, रियल ऑफिस, मतलब ऐसा ऐसा आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में वो सीन चल रहे हैं। तो कहा ना कहा मैंने प्रतीक्षा में अपने आप को पाया उस मूवी के अंदर। मैं मानता हूँ ओडिया के डायरेक्टर को, ओडिया के टीम को, प्रतीक्षा की टीम को, जिन्होंने ये मूवी जान लगा के अपनी बनाई है, और हमारी आंखें फटी की फटी रह गई इस पिक्चर को देख के। ऐसा लगा ये हर एक जीवन के आदमी की पिक्चर है। तो मैं दरख्वास्त करूंगा ये पिक्चर हिंदी में आएगी तो हर ऑडियंस को देखेगी, देखना चाहिए। और कहा ना कहा ये पिक्चर बहुत रियलिस्टिक दिख रही है, और इसके जो गाने भी मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे ओडिया का जो गाना लगता है ना, मुझे एकदम मन को ठंडा कर देता है, शांत कर देता है, क्योंकि गाने में इतनी प्योरिटी है, इतना मीठापन है, इतना स्वीटनेस है कि वो गाना आप सुनते रहेंगे तो आपका मन ही नहीं भरेगा। बहुत ही अच्छा स्वीटनेस है उनकी, उनका लैंग्वेज भी मुझे बहुत पसंद है। उड़िया का जो लैंग्वेज मैं जब भी सुनता हूँ ना, मुझे एक एक वर्ड ऐसा लगता है कि मैं सुनता ही जाऊँ, हमेशा सुनता जाऊँ, उनके गाने सुनता जाऊँ। गाना का मुझे किशोर कुमार सर याद आते हैं। यस सर, खास करके जिनका मेन लीड हीरो सर का बिपिन सर का, मैं उनका शॉर्ट नाम बता रहा हूँ, बिपिन सर उनका नाम है, मैंने पढ़ा था जब भी टाइटल आया था। सर बहुत ही क्लास एक्टर है, जहाँ जहाँ लास्ट में जो क्लाइमैक्स में जो रोने का सीन उनका देखा, माय गॉड आई गॉट शिवर, गूस बम्स आ गए मेरे को, वो सीन तो मेरे आँख से अभी तक नहीं जा रहा है। वो रियलिटी में मैं भी ऐसे रोया था, जब मुझे भी जॉब में कभी नहीं होता था, मतलब वो लाइफ में हर आदमी के लाइफ से मिलती जुलती है। कहाँ ना कहाँ हमारे आँख से आंसू आ जाती है, हम अपने आप को उधर पाते हैं। तो प्रतीक्षा मूवी के जो डायरेक्टर अनुपम सर, उन्होंने भी ऐसा लाइफ झेला होगा, जब वो डायरेक्टर बने उन्होंने भी तकलीफ सहा होगा, तो कहाँ ना कहाँ उन्होंने अपनी रियलिटी की भी स्टोरी बताई है। तो ये प्रतीक्षा जगाती है कि इस मूवी को हर आदमी के रियल स्टोरी से मिलती जुलती स्टोरी है ये। यस सर, लोगों को मैं ये अपील करूंगा, जाइए ये रियलिटी देखिए, रियल लाइफ देखिए कि ज़िंदगी में इंसान कितनी कठिनाई उठाता है। जब वो एक इंसान अपने फैमिली बनाना चाहता है, वो अपनी बिजनेस करता है, वो अपना बैंक बैलेंस बनाता है, तब जाके इतनी कठिनाई के बाद वो एक आम आदमी बनता है इस दुनिया में। यस सर, सर मैं इस पिक्चर को स्टार नहीं दे सकता, इस पिक्चर को मैं हैट्स ऑफ बोलूंगा, अनुपम सर को हैट्स ऑफ बोलूंगा, उनकी टीम प्रतीक्षा को हैट्स ऑफ बोलूंगा, और ओडिया के ऑडियंस को हैट्स ऑफ बोलूंगा, और ओडिया की टीम इंडस्ट्रीज को हैट्स ऑफ, जिन्होंने इतना ब्यूटीफुल, इतनी अच्छी पिक्चर, इतनी जबरदस्त पिक्चर बनाई। यस सर, लव यू ओडिया ऑडियंस, लव यू। इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल